दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फेल मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की कि, इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए तो था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91% वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विदु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशिता फिल्म यह है, अनुराग पाठक के उपन्यास तेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को नि... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विनो विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा है फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, एन डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और कहा है कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सन पूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको ए, एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में मूवी कौन से राब को कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस सेक्टम्बर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की कि मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों 91 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार का किया गया है और 91% वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट रोटोन की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिश्नोई और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आई अधिकारी बनने की यात्रा को नु... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस पी अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी ने के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषय का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को सिनेमाघर में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा किए फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए वो 3 नौम तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली इन एंड, एन डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख पूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हिस्ट हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज इस के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की कि मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अशंसु पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों 91 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताए गए है तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय बिश्नोई और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को नु... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी तुवेल्थ तो फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मैसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए दिल तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को सिनेमाघर में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा किए फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए वो नौ तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख मूर्ति कहानी बनाती है यह फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक सौ मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक सौ मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की जिस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर अनंत वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों 91 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस, इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विदु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशिता फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आई अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहाँ फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आई अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी तो फेल फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए दिल तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा की फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव नौं, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साइबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और कहा है कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख पूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजूल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको ए, एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हिस्ट हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आई अधिकारी बनने की यात्रा को नु... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी तो फेल फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थित राजेंद्र नगर और नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को सिनेमागर रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माताओं ने घोषणा किए फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव नौम, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख शानपूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजूल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर, पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट बीस करोड़ रुपए था और इस मूवी ने सत्तर करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने सत्तर करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और नाइन्टी वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट रोटोन की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आई अधिकारी बनने की यात्रा को नि... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विनो विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए दिल तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा की फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव नौम, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पांच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार परियोजना में मनोरंजन फिल्मन, इसकी पटकथा एक सचमुच पूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों तो इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ तो फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन सी राब को कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों 91 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91% वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशिता फिल्म यह है, अनुराग पाठक के उपन्यास फिल्म पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय विष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आई अधिकारी बनने की यात्रा को नु... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विनो विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी ने के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को सिनेमाघर में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा की फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव नौम, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, एन डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पांच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा है कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख शानपूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हेस्ट हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप तो ट्वेल्थ तो फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों 91 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91% वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास हेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय बिश्नो और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को नि... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी तो फेल फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी ने के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर दो में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को सिनेमाघर में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा की फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए वो नव नौम, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पांच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक पूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने, तो आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग तो आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की कि, इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विदु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आई एस अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी तो फेल फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषय का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को सिनेमाघर में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा किए फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव नौम्म तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साइबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख शानूमपूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजूल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक सौ मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक सौ मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हिस्ट हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनो विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की कि, जिस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विदु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशिता फिल्म यह है, अनुराग पाठक के उपन्यास तेल फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय बिश्नोई और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आई एस अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी ने के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विश्वम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माताओं ने घोषणा किए फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नौ नौम्म, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साइबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और कहा है कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख शानपूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजूल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की कि जिस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर विकास दिव्य कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशिता फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिश्नोई और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को नु... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विनोद विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा की फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव नौम तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साइबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख मूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजूल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक सौ छियालीस मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक सौ छियालीस मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर एंजॉय कीजिए और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर 2023 को रिलीज़ हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91% वन परसेंट टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विदु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित हो और निर्देशिता फिल्म यह है, अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिश्नो और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को नु... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विनो विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए दिल तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को सिनेमागर रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माताओं ने घोषणा की फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव नौम, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पांच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए है और कहा है कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुखी कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन सी राब को कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों 91 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91% वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित हो और है फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आई एस अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विनु, विदु विनु चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी तो फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषय का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसिने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को सिनेमाघर में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा है फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए वो नौम, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साइबल चटर्जी ने इस फिल्म को पांच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा है कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक पूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ आप दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हेस्ट हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों 91 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा तो और निर्देशिता फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आई एस अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विदु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषय का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसिने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर 2023 को सिनेमा को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा किए फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए वो नव नौम, तीन नवंबर 2023 को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख शानपूर्ति कहानी बनाती है यह फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजूल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक सौ मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक सौ मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की जिस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशिता फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय बिश्नोई और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आई एस अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी तो फेल फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषय का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए दिल तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर 2023 को सिनेमा घर में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा किए फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और 3 नौम, तीन नवंबर दो को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख शानपूर्ति कहानी बनाती है यह फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हिस्ट हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की जिस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशिता फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ फेल फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी कोचिंग प्रोफेस विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थित राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर दो में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हज़ार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा है फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव नौम, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एन डी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख मूर्ति कहानी बनाती है यह फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजूल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशित है फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिश्नोई और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विनो विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए दिल तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा किए फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव नौम, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, एनडीटी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख शानपूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फेल मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की कि इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91% वन परसेंट टमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित हो और है फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिश्नोई और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आई एस अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ फेल फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी कोचिंग प्रोफेसर विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषय का ये किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए दिल तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थित राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर दो में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर 2023 को सिनेमा को में रिलीज़ की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा है फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए वो नव नौम, तीन नवंबर दो को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, एन डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और कहा है कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख पूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने तो सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर इंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फिल्म मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की कि मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों 91 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट रोटोन की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिश्नोई और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आई एस अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विदु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषय का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसिंग अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थित राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर 2023 को सिनेमा को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा है फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए वो नव नौम, तीन नवंबर 2023 को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख पूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजूल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविजन के चैनल पर इंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर अनंत वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अशंसु पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों 91 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विदु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को नु... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी तो फेल फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मैसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थित राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर 2023 को सिनेमा घर में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा किए फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए वो नव नौम, तीन नवंबर दो को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख मूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक सौ मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक सौ मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज की के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनो विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की जिस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तो आपने का किया दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल दो की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विदु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशिता फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को नि... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थित राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा यह फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और 9 नौम, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सन शानपूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजूल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो, और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आई एस अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विश्व का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थित राजेंद्र नगर और नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हज़ार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा है फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एन डी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख मूर्ति कहानी बनाती है यह फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजूल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट बीस करोड़ रुपए था और इस मूवी ने सत्तर करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने सत्तर करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और नाइन्टी वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आई एस अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी तो फेल फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विश्व का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा की फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव नौम, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, एन पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख शानपूर्ति कहानी बनाती है यह फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को इन्जॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन सी राब को कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों 91 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91% वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशिता फिल्म यह है, अनुराग पाठक के उपन्यास तेल फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आई अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहाँ फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आई अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी ने के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास तिर दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए दिल तैयारी के लिए दिल्ली जाता है इसी राजेंद्र नगर और नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को सिनेमाघर में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा की फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, एन डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख शानपूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों तो इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हेस्ट हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में मूवी कौन से राब को कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस सितंबर 2023 को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की कि मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों 91 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताए गए है तो इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विदु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशिता फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को नु... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मैसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को सिनेमाघर में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा की फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए वो नव नौम, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख पूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फेल मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विदु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को नु... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विनो विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को सिनेमाघर में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा किए फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए वो नव तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साइबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और कहा है कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख शानूमपूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको ए, एक सौ मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक सौ मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हिस्ट हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ तो फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ तो फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन से आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनो विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की कि जिस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था तो और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और तो 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विदु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल्थ फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिश्नोई और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को नु... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विनो विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को सिनेमाघर में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा की फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन डी टी वी पर साइबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और कहा है कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र ट्वेल्थ फेल एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुख शानूपूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट, मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर इंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में ये मूवी कौन से आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की कि जिस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर विकास दिव्य कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का, का कारोबार किया गया है और 91 वन परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो, और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल फिल्म पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय विष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आई अधिकारी बनने की यात्रा को नु... दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विनो विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी ने के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास त्रि दिव्य कीर्ति फिल्म का विषयम का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा की फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव नौं तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साइबल चटर्जी ने इस फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार चित्र एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सन मूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो हज़ार तेईस को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों कि की इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पोस्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों नाइन्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91% वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी के ट्वेल्थ फेल दो हजार की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो, और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास तेल फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी शंकर संजय बिश्नोई और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आई एस अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित है विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो फिल्म के विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी ने के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषय का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए दिल तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थिर राजेंद्र नगर और नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा की फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव नौम तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पांच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए है और कहा है कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक पूर्ति कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ फिल्म मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ट्वेल्थ फेल मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, वाला तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तो ट्वेल्थ फेयर मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी राब को कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है सत्ताईस अक्टूबर दो को रिलीज हुई ड्रामा मूवी ट्वेल्थ फेल इस मूवी को डायरेक्ट किया है मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को डायरेक्ट किया विधु विनोद चोपड़ा ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की कि इस मूवी के अंदर आप विक्रांत मेसी मेधा शंकर आनंद वी जोशी प्रियांशु चटर्जी अंशुमान पुष्कर विकास दिव्या कीर्ति आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और दोस्तों 91 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है और दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया था दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी ने 70 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है और 91% वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश भी बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को नाइन्टी वन परसेंट टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है तो इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय कीजिएगा यह मूवी आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी हाँ दोस्तों सही सुना यह मूवी आपको हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी तो आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं बात करें इस मूवी की कहानी ट्वेल्थ फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित तो, और निर्देशित फिल्म यह अनुराग पाठक के उपन्यास फेल पर आधारित है इस फिल्म में विक्रांत मेसी मेधा शंकर संजय बिष्णु और हरीश खन्ना मुख्य भूमिका में यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई थी और फिल्म को समीक्षा में सकारात्मक समीक्षा मिली है यह फिल्म मनोज कुमार शर्मा विक्रांत मेसी के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है जहां फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और वह इस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है और इस बीच में उसे कई मुश्किल का सामना कभी करना पड़ता है नवंबर 2022 में फिल्म निर्माता विदु विनोद चोपड़ा ने अनुराग पाठक के उपन्यास ट्वेल्थ फेल की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी यह फिल्म आई अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और आई आई एस अधिकारी श्रद्धा जोशी के वास्तविक जीवन की कहानी पर प्रेरित विधु विनोद चोपड़ा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी ट्वेल्थ तो मेसी मुख्य भूमिका में निभाएंगे यह विधु विनोद चोपड़ा के विक्रांत मेसी के साथ पहला काम होगा प्रसिद्ध यूपीएससी यू, कोचिंग प्रोफेसर वि, विकास दिव्य कीर्ति फिल्म का विषय का ही किरदार निभाएंगे इस फिल्म में वास्तविक जीवन में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई अभ्यर्थियों का प्रश्न विभिन्न भूमिकाओं में चुना गया है मेसी ने अनुसार इस फिल्म का प्रणामित किया गया है फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से आगरा चंबल दिल्ली मंसूरी और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर की गई है फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी के लिए दिल्ली जाता है स्थित राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में शूट किया गया है इस फिल्म का फिल्मांकन दिसंबर 2022 में पूरा हुआ है फिल्म का ट्रीजर दस अगस्त दो हजार बाईस को रिलीज किया गया है ट्रेलर तीन अक्टूबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया है फिल्म सत्ताईस अक्टूबर दो हजार तेईस को सिनेमाघर में रिलीज की हुई थी हिंदी भाषा के बाद निर्माता ने घोषणा की फिल्म में तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाए और नव नौं, तीन नवंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया जाएगा फिल्म फिल्म भी बारहवीं फेल फिल्म को आलोचना प्रशंसा मिली एन एंड, एन डी टी वी पर साईबल चटर्जी ने इस फिल्म को पांच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए और कहा है कि यह एक भारतीय पुलिस सेवा आई ने एक अधिकारी के जीवन में एक शानदार एक परियोजना में मनोरंजन फिल्म इसकी पटकथा एक सचमुखी कहानी बनाती है यह है फिल्म एक आदमी की जीवन यात्रा में उतार चढ़ाव अपने फिजुल खर्ची के बहुत शानदार बताती है तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए और बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको एक मिनट की देखने को मिलेगी और दोस्तों इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी के सॉन्ग आपको सारे गामा पर देखने को मिलेंगे और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है हाँ दोस्तों आपने सही यह मूवी आपको टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी है आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर एंजॉय कीजिएगा और यह मूवी आप हेस्ट हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद